हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आई एम डॉक्टर कुंडू फ्रॉम चाइना, और जैसा कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पे सब नॉर्मल है, और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे कैसे इन्होंने कंट्रोल किया था। अभी देखिए, ये स्टारबक्स है, ये मेरे ऑफिस के नीचे ही है, और यहाँ पे सब लोग मास्क लगा के बैठे हैं, मास्क वास्क लगा के बैठे हैं सब लोग। और यहाँ पे देखिए सारे लोग चल रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अब देखो, ये मेरे ऑफिस की बिल्डिंग है जो कि है 72 फ्लोर से ज़्यादा है। अब मैं आज आपको ये दिखाने वाला हूँ कि चाइना में कितनी सख्ताई है, मतलब कैसे इन्होंने कंट्रोल किया है, और आई थिंक हमें भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। अब ये जैसा आपने सुना होगा, सुधीर कुमार जी ने भी बताया था वहाँ पे कि वो है, क्या बोलते हैं, एक ऐप आ रही है, ये यहाँ पे चाइना वाली ऐप है, इसके बिना आप किसी बिल्डिंग में एंटर नहीं कर सकते। और मैंने यहाँ पे मास्क लगाया हुआ है, देखिए मैंने यहाँ पे मास्क लगाया हुआ है, मास्क के बिना किसी बिल्डिंग में जाना अलाउ ही नहीं है। अब मैं जहाँ पे जाऊँगा तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पे, वो मेरी ये ऐप चेक करेगा, क्योंकि ये ग्रीन है, इस ग्रीन का मतलब है कि मेरी हेल्थ ओके है और मैं किसी कोरोना वायरस पेशेंट के आसपास से नहीं गुजरा हूँ, तो इसका मतलब ग्रीन है तो ओके है। पर फिर भी वो स्कैन करेगा मेरा टेम्परेचर, और वो खही खही हो मे कौन से वो किसो वो तो फाइ हो मे कौन से खही देखो देखो हाँ दे 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 वो ये बोल रहा था कि अभी मैंने तुम्हारा टेम्परेचर चेक कर लिया था, क्यों चेक करवा रहा है। मैंने कहा भाई अपने दोस्तों को दिखाना था। अब ये देखो, ये यहाँ पे नई चीज़ है, यहाँ पे कैमरे से ही मतलब मुंह स्कैन करके घुस सकते हैं, पर मैंने अभी मास्क पहना है और मैं मास्क उतारना नहीं चाहता, पर मैंने सिक्योरिटी गार्ड से बोल दिया तो उन्होंने खोल दिया यहाँ पे। अब मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस में 42 फ्लोर पे। अभी आप देखना, मैं आपको नई चीज़ें दिखाऊँगा यहाँ पे। अब देखिए, जैसे जाके लिफ्ट का बटन दबाते हैं, अभी देखते हैं। देखो लिफ्ट के बटन पे ये पॉलीथीन लगाई हुई है, और ये पॉलीथीन हर एक 2-3 घंटे में चेंज करते हैं, ये तो ये वाली पॉलीथीन हर एक 2-3 घंटे में चेंज करते हैं, ताकि किसी का हाथ लगाओ वायरस हो वहाँ पे तो चेंज होके दोबारा नया। तो एक्चुअली हमारे यहाँ पे सब नॉर्मल हो चुका है, पर अभी भी ये बहुत सख्ताई कर रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं, तो मतलब हमें भी अपनी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए भाइयों। यहाँ पे तो आप मतलब देख रहे हो कि इंसान कैसा है, बिना इस ऐप के आपको एंटर नहीं होने देते, और अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ तो भी आपको कहीं भी एंटर नहीं होने देते यहाँ पे। और इंडिया में तो काफ़ी वैसे वीडियोस आ रहे हैं आज, मतलब लोग खुले घूम रहे हैं, वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अब मैं अपने ऑफिस साइड जाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे करना है, थोड़ा आइडिया दूंगा मैं अपनी साइड से जितना भी हो सके। ये मेरा ऑफिस है, और देखिए, पता है इन्होंने ऐसे करा क्या था, देखिए जैसे ये लगाओ, यहाँ पे काफ़ी सारी गलियाँ हैं, मतलब अगर ये लगाओ, ये गलियाँ हैं, तो इन्होंने ये सारी गलियाँ बंद कर दी थी, सारी गलियाँ, जैसे गलियाँ ना, सारी गलियाँ बंद कर दी, और आने और मतलब जैसे मैं रहता था यहाँ पे इस गली में, मेरा नाम अभिषेक, मैं इस गली में रहता था, इधर लगाओ कोई सुनील नाम का रहता है, कोई राहुल नाम का रहता है यहाँ पे, तो इन्होंने ये सारी गलियाँ तो पहले करी बंद, क्योंकि आने जाने का रास्ता हो सिर्फ एक, तो ये लॉकडाउन के टाइम पे सिर्फ एक रास्ता यही ये है रास्ता जाने का, और
पहली चीज़ जैसे मेरी बिल्डिंग थी उसके यहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड जो कि टेम्परेचर चेक कर रहा, फिर दूसरा यहाँ पे एक डॉक्टर और एक पुलिसकर्मी और एक और, तीन लोग यहाँ पे बैठ के चेक करते थे। तो एक चेकिंग यहाँ होगी, दूसरी चेकिंग यहाँ होगी और तीसरी चेकिंग होगी वॉलमार्ट में। वॉलमार्ट जैसे हमारे यहाँ पर शॉपिंग मॉल होता है ना, वैसा ही यहाँ पर शॉपिंग मॉल है। तो तीसरी चेकिंग यहाँ होगी। तो आप ये लगाओ कि मैं जैसे 500 मीटर के दायरे में तीन बार टेम्परेचर चेक होता था, तीन बार टेम्परेचर। पर इसका फ़ायदा क्या है भाई, क्योंकि क्यों टेम्परेचर चेक कर रहे हैं? और फिर टेम्परेचर चेक करके एक्चुअली फ़ायदा क्या है? देखो, वायरस की जो साइकिल है, ये वायरस है उसकी साइकिल है एक से 14 दिन की, राइट, 14 दिन की है, 1 से 14 दिन। तो अगर ये सारे लोग लॉकडाउन कर दिए तो देखो 4 दिन के अंदर आ जाते सिम्टम, 4 से 7 दिन के अंदर नॉर्मली। तो 4 से 7 दिन के अंदर इनको बुखार आ गया, तो फिर इनको जैसे हमने अलग कर दिया, तो फिर ये वायरस आगे नहीं फैलेगा। इसीलिए भाइयों लॉकडाउन के लिए बोल रहे हैं। और ये प्लस 10 दिन लगा लो कि भाई चलो, मतलब फिर भी कोई अगर रह गया तो उसको पकड़ने के लिए। पर अगर आप ऐसे ही सड़कों पर घूमते रहे तो ये भाई लॉकडाउन कितने ही टाइम तक भी चलेगा, क्योंकि एक भी बंदा अगर सड़क पे घूम रहा है और उसको वायरस है तो दोबारा सारा फैला सकता है। तो भाइयों, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी के भी हो, तो आप ये अभी चीज़ समझ लो यार, कितनी मैंने आसान बताई है कि ये उसकी साइकिल है, 1 से 14 दिन है, सिर्फ 14 दिन की बात है यार। 14 दिन अपना वो रखो, अपना ख्याल रखो। और किसी को भी सिम्टम आए आप खबर करो, चाहे आपकी फैमिली वाला है चाहे उसका है, अपने वहाँ की डिपार्टमेंट को, पुलिस को भाई खबर करो, और फिर इन चीज़ों से निकलोगे। अब देखो, जैसे ये वाला मैंने बताया है, यहाँ पे इन्होंने क्या करा था कि बड़े बड़े ब्लॉक रख दिए थे, मतलब जैसे गली है ना, गली बंद कर दी थी टोटल, गली में ईंट से, मतलब हमारे वहाँ ईंट यूज़ होती है, यहाँ पे हुए थे बड़े बड़े ब्लॉक्स यूज़ करते हैं लोग, और इन्होंने ईंट से ये बंद कर दिया, ये बंद कर दी, और जो गली नहीं बंद हो सकती उसे चैनलाइज कर दिया। पर आने जाने का रास्ता सिर्फ एक, और हर एक फैमिली के मेंबर को एक बार ही आ जा सकता था, मतलब कि सॉरी, हफ्ते में सिर्फ 3 बार। देखो, हमारे वहाँ पे इतना ऑर्गेनाइज तो नहीं है, तो ऐसे कर सकती है पुलिस के भी, यहाँ पे वॉलमार्ट की बजाय जो वो वेंडर्स होते हैं ना, जो विक्रेता होते हैं, तो उनका सामान यहाँ पे ऐसे रखवा दे, और फिर यहाँ से लोगों को आने जाने के लिए बोल दे, तो भी ऐसा सही है, तो भी लाइक नॉट बैड है। तो अगर और ना, अगर आप जैसे आपकी कम्युनिटी है, आपकी सोसाइटी है, तो आप अपनी सोसाइटी में भाई गवर्नमेंट अगर इतनी वो नहीं कर रही तो भाई आप ही कर लो। तो मतलब अगर आपने ऐसा कर लिया तो एक ऐसा लगाओ, पहले आपकी सोसाइटी मतलब सिक्योर होगी कोरोना वायरस से, क्योंकि 14 दिन कट गए, कोई सिम्टम नहीं मिला, किसी को लाइक वो पॉजिटिव नहीं मिला, तो आपकी सोसाइटी होगी सेफ। अब ऐसे ही आपकी सोसाइटी की तरह अगर ऐसे 100 सोसाइटी होंगी एक शहर में, तो वो शहर हो गया सेफ। और अगर ऐसे ही 1000 सोसाइटी अगर सेफ होगी तो 10 शहर हो गए सेफ। तो यही है भाइयों, ये चीज़ है, और आप इसको फॉलो करो भाइयों, और अपने गवर्नमेंट का ऐसे साथ दो, चाहे ऐसे। और ना, कोई अगर ये कहता है भाई, धर्म की बात करता है कि भाई मुझे नहीं होगा, और भाई हम तो इस धर्म के हैं, हम तो इसके हैं। देखो, ईरान में कैथोलिक धर्म बहुत ज़्यादा है, 85%, और ईरान में मुस्लिम धर्म बहुत ज़्यादा है, 95%। पर फिर भी वहाँ पे हुआ, तो फिर मतलब ऐसा है कि अपने दिमाग से वहम निकालो। और भाई, कोई अगर ये धर्मगुरु कहता है भाई बाहर आओ, तो भाई पहले उस धर्मगुरु को ही बाहर बुलाओ ना, क्यों 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 भाई आप लोग मर रहे हो? तो ऐसा है कि भाइयों, देखो ये तरीका है सिंपल, ऐसे लॉकडाउन का फॉलो करोगे तो इस वायरस की चेन टूट जाएगी, और चेन अगर टूट गई तो ये फैलने से रुक जाएगा। और आप ऐसे करोगे कि आपने पहले अपनी सोसाइटी सेफ कर ली, एक ये आपकी सोसाइटी है एक नंबर एक, और ऐसे 10 सोसाइटी सेफ हो गई तो शहर, सॉरी 100 सोसाइटी सेफ होगी तो शहर,
और हज़ार सोसाइटी शहर वो बच गई, सेफ हो गई, तो पूरा पूरा देश। तो भाइयों ये प्लान है मेरी साइड से। देखो मैं कोई गवर्नमेंट की साइड से हूँ नहीं, मुझे कोई भाई फेसबुक पे धमकी देने की की ज़रूरत नहीं है। पहले पिछली वीडियो बनाई थी, धमकी आ रही थी कि कुछ कुछ करके, तो फिर हाँ मास्क के ऊपर मुझे कुछ एक धमकी आई थी, पर चलो मैंने कहा फिर भी मैं बना रहा हूँ, कोई नहीं। तो ना भाई ये है, और भाई चाइना ऐसा देश है, उसने ख़त्म कर दिया ये, तो हमें सीखना चाहिए उनसे। और ना ये वाला प्लान है आप, तो प्लीज़ फॉलो करो, गवर्नमेंट का ऐसे साथ दो, किसी भी मतलब इसमें पॉलिटिक्स बाजी नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे देश को इकट्ठा खड़ा होना चाहिए इस टाइम में। तो फिर आपको समझ में आ गया होगा शायद, राइट? तो फिर मतलब अगर आपकी कम्युनिटी है, आपकी सोसाइटी है, तो आप पर्सनल लेवल पे ही कर लो। यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, मतलब जो आपके घर के नीचे सिक्योरिटी गार्ड बैठता है, दूसरा यहाँ पे गवर्नमेंट वाला, एक डॉक्टर, एक आर्मी वाला, और एक हेल्थ वर्कर, और एक तीसरा जहाँ पे खाना मिल रहा है, खाना लेने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। और तो और कुछ लोग ऐसे थे कि उनको सिम्टम भी आए पर वो छुपाते थे। तो क्या कर सकती है, गवर्नमेंट इनाम रख सकती है, इनाम मतलब जो भी इन लोगों के बताएगा कि जिसको सिम्टम आए हैं उसको भाई हज़ार रुपये का इनाम दे दो, वो दे दो, तो फिर आई थिंक सही है, इसका फ़ायदा हुआ था गवर्नमेंट को, भाई ट्राई करना चाहिए। और क्या मैं सोच रहा हूँ, और हाँ, और कुछ लोग कह रहे थे भाई बीजिंग और शंघाई में क्यों नहीं फैला इतना, या बाकी जगह क्यों नहीं फैला, भाई ये फॉलो किया था, लॉकडाउन किया था टोटल, इतना मतलब एफिशिएंट है यहाँ की गवर्नमेंट, भाई इन्होंने लॉकडाउन किया था तब जाके बचे हैं, तो इसलिए नहीं फैला। और ना कोई ये बोल रहा है कि बिल्कुल ही नहीं फैला, तो भाई जाके गूगल कर लो, उस पर लिखा हुआ है कितना फैला कितना नहीं फैला, सीधी रिपोर्ट लाइव आ रही है ऑनलाइन, एक वेबसाइट है गूगल पे, आप कोरोना वायरस मोर्टिलिटी रेट लिखोगे, कोरोना वायरस रेट लिखोगे, तो सीधी वेबसाइट आ रही है, उस पर सब देशों का है कि कितने फैल गए और कितने रिकवर हो गए और क्या क्या हुआ, उस पर सब देशों का है, तो आप उस पर ऐसे देख सकते हो। पर ना भाइयों अभी अपना मेन गोल है इस वायरस की साइकिल तोड़नी है, ये 4 से 7 दिनों के अंदर सिम्टम दिखा देता है, गवर्नमेंट ने 21 दिन का लॉकडाउन बताया है, तो ये क्रूशियल टाइम है भाइयों, अभी इसमें लॉकडाउन का सपोर्ट करो, पर्सनल लेवल पे करो, ऐसा नहीं है कि खाली गवर्नमेंट ही कर देगी, आप पर्सनल लेवल पे भी करो सपोर्ट, चाहे अपने पैसे लगाने पड़े, जान है तो सब कुछ है। और ऐसे दूसरी चीज़ मैं बता दूँ ऐप के बारे में, देखो ये जो मैंने ऐप है ये जैसे इंडिया में नहीं है पेटीएम, तो ऐसे यहाँ पे है अली पे, तो जैसे मतलब के अली पे से, हाँ अली पे जैसे सबके फ़ोन पे है, मतलब के इसलिए यहाँ लोग, यहाँ बच्चे से लेके बड़े से लेके सबके फ़ोन पे है। तो फिर ये जो ऐप है, जैसे मैंने मतलब पहली वीडियो में बताया था कि अगर मैं किसी के पास से भी गुजरूँगा ना, जो आज से 5 दिन बाद पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब अभी नहीं है, आज से 5 दिन बाद हो जाए पॉजिटिव, तो ये वाली ऐप हो जाएगी लाल, तो मतलब मुझे भी ये क्वारंटाइन में रखेंगे, तो मतलब इतना हाईटेक सिस्टम है ये ऐप का कि मतलब आपको ना जल्दी से जल्दी वो जो सरकार जो ऐप दे रही है वो इंस्टॉल करनी चाहिए। और भाई अपनी सरकार की बात मानो, ये टाइम साथ खड़े होने का है, साथ खड़े होके इस वायरस से लड़ने का है, अगर आप नहीं खड़े हुए, अगर ऐसे घूमते रहे सड़क पे, तो ये और लंबा चलेगा। और यार 14 दिन घर पे बैठने की बात है, इतनी बड़ी बात भी नहीं है, हमारी गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर भी वो कर रहे हैं, तो फिर प्लीज़ भाइयों आप इसको पर्सनल लेवल भी और गवर्नमेंट की सपोर्ट करिए और बचाइए भाइयों देश को। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।